नमस्कार, एसपी एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज अपने क्लास 10th में साइंस का लेसन नंबर 2, जिसका पार्ट अपने आज 13 पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में अपने इसमें उत्सर्जन तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र के कौन से भाग होते हैं उनके बारे में पढ़ा था कि उत्सर्जन तंत्र में किडनी किस प्रकार अपना कार्य करती है, जो यूरिनरी ब्लैडर्स है वो अपना कार्य कैसे करते हैं, और ये आगे अपशिष्ट के रूप में कौन सा पदार्थ निकालते हैं। तो अपशिष्ट के रूप में आपने देखा था नाइट्रोजनी अपशिष्ट होते हैं, जिसमें कौन कौन से थे, अमोनिया थी और यूरिया थी, यूरिक अम्ल, ये सारे नाइट्रोजनी अपशिष्ट थे, इनके बारे में आपने पढ़ा था। तो और इसके अलावा अपने कुछ और भी उत्सर्जन वाले अंग होते हैं, जिसमें कि अपने फेफड़े होते हैं। फेफड़े उत्सर्जित पदार्थ कौन सा निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को उत्सर्जन क्रिया द्वारा बाहर निकालते हैं। त्वचा है, त्वचा पसीने के रूप में कुछ खनिज लवणों का उत्सर्जन करती है। उसके अलावा जो यकृत है, यकृत भी अपने पित्तरस है, इस पित्तरस का क्या उत्सर्जन करते हैं। तो आज इस वीडियो में अपने जो मूत्र निर्माण की क्रिया है ये किडनी में किस प्रकार से होती है और कौन कौन से इसमें प्रमुख पार्ट होते हैं जो इसमें भाग लेते हैं। तो सबसे पहले तो जो किडनी के अंदर एक प्रमुख भाग होता है जिसे नेफ्रॉन बोला जाता है। तो आप इस नेफ्रॉन का डायग्राम देख रहे हैं, तो अपने नेफ्रॉन के प्रमुख जो पार्ट है उनके बारे में पढ़ते हैं। तो नेफ्रॉन में कौन कौन से भाग होते हैं इसके बारे में अपने देखते हैं। तो नेफ्रॉन में कौन कौन से दो जो आगे वाला भाग होता है कपनुमा संरचना के रूप में दिखाई देता है, जिसे क्या कहते हैं, बोमेन संपुट बोला जाता है। बोमेन संपुट यह क्या परानिसंधक या छानने का कार्य करता है, यानी जो अशुद्धियों वाला ब्लड आता है वो कौन सी एक अभिवाहक धमनी होती है जो क्या करती है, अशुद्धियों को किडनी के अंदर लेके जाती है और अभिवाहक धमनी इसमें से जो अशुद्ध रक्त होता है उसको ग्लोमेरुलस यानी प्राणिसंधक इस बोमेन संपुट में एक प्राणिसंधक या ग्लोमेरुलस भाग होता है जो क्या रक्त से विभिन्न प्रकार के जो लवण हैं और यूरिया अपशिष्ट पदार्थ इनको क्या छानने का कार्य करता है, और जो शुद्ध रुधिर होता है उसे बाहर इसमें से कौन लेके जाती है, अपवाही धमनी। ये अभिवाही धमनी जो अंदर की तरफ लेके आती है और अपवाही धमनी है वो बाहर की तरफ लेकर जाती है। तो अब इसमें जो गोमेन संपुट है, गोमेन संपुट का जो पास वाला सिरा होता है इसे क्या कहते हैं, समीपस्थ नलिका, यानी जो गोमेन संपुट के पास में नलिका होती है उसे समीपस्थ नलिका बोला जाता है। फिर आगे गोमेन संपुट के बाद में समीपस्थ नलिका जब नीचे की तरफ मुड़ती है यानी आरोही दिशा में जाती है तो यह क्या बनाती है, एक हेनले का रूप बनाती है। तो यह पतली हेयर पिनुमा संरचना होती है, इसे हेयर पिनुमा संरचना दिखाई देने के कारण क्या बोला गया, इसे हेनले का रूप बोला गया, हेनले का रूप जो क्या बिल्कुल पतली हेयर पिनुमा संरचना के रूप में बदल जाता है। फिर इसके बाद में जो इसका ऊपर वाला भाग है जो ये आरोही भाग हो गया, सॉरी अवरोही भाग, और जो ऊपर वाला है इस तरह से आगे अशुद्धियों को लेकर जाता है, ये कौन सा भाग होता है, अवरोही भाग होता है। और जो नलिका यहाँ पर दिखाई दे रही है इसे क्या बोलते हैं, दूरस्थ नलिका, दूरस्थ नलिका, दूरस्थ नलिका है ये क्या करती है, जो अशुद्ध रक्त होता है उसे क्या, जैसे यूरिया है, इन अशुद्धियों को आगे एक संग्रह नलिका होती है उस संग्रह नलिका में भेज देती है। तो जहां पर सारी अशुद्धियां इकट्ठी होती है उसे क्या बोला जाता है, संग्रह नलिका, इसे क्या कहते हैं, संग्रह नलिका बोला जाता है। तो ये सारी संरचना
नेफ्रॉन्स या वृक्काणु कहती है, जिसमें क्या अपने जो यूरिया है, यूरिया का पृथक्करण किया जाता है। अब इसमें जो यूरिया निर्माण की क्रिया या मूत्र निर्माण की क्रिया किस प्रकार से होती है उसके बारे में अपने समझते हैं। तो सबसे पहले आपने ये अपनी नोटबुक में इस तरह से डायग्राम बनाइए, उसके बाद अपने आगे मूत्र निर्माण की क्रिया पढ़ते हैं। मानव जनन तंत्र नर और मादा में अलग अलग प्रकार का होता है।
द्वारा ही ये अपने समाज संस्कृति उत्पन्न करते हैं। तो लैंगिक जनन जिसे कहेंगे, अपने समान संस्कृति उत्पन्न करना लैंगिक जनन कहलाता है। इसमें क्या होता है, नर युग्मक अलग बनते हैं और मादा युग्मक अलग बनते हैं। नर युग्मक के रूप में क्या बनता है, शुक्राणु, और मादा युग्मक के रूप में कौन बनते हैं, अंडाणु। तो शुक्राणु वह अंडाणु का जब संलयन होता है, जब इनका संलयन होता है तो क्या बनते हैं, युग्मनज बनते हैं। यानी युग्मकों के संलयन को या निषेचन होने के बाद में, निषेचन क्रिया होती है तो संलयन होता है, युग्मनज बनता है। युग्मनज कुछ समय बाद आगे किसमें बदल जाता है, भ्रूण में बदल जाता है। फिर भ्रूण है जब ये गर्भ में कुछ समय तक रहने के बाद में पूर्ण रूप से जब इसका विकास हो जाता है तो प्रसव क्रिया द्वारा शिशु का जन्म होता है। तो इस कारण जो लैंगिक जनन तंत्र है ये जीवों में महत्वपूर्ण एक प्रक्रिया होती है। तो लैंगिक परिपक्वता भी एक जीवों में या मानव में महत्वपूर्ण गुण है, क्योंकि इसी के कारण ही फिर आगे संतति उत्पन्न की प्रक्रिया होती है। तो लैंगिक परिपक्वता में जो नर है इनमें क्या कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे आवाज का भारी होना, दाढ़ी मूंछ का आना, जननांग क्षेत्रों में बालों का आना, त्वचा का तैलीय होना। और लड़कियों में भी कुछ परिपक्वता आ जाती है, जैसे आवाज का पतला होना, इसमें स्तन ग्रंथियों का विकास होना। तो इस तरह से कुछ लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं जिसमें क्या जो लैंगिक परिपक्वता को दर्शाते हैं। तो लैंगिक परिपक्वता कब शुरू होती है, 12 से 14 वर्ष की उम्र में जो परिपक्वता है शुरू हो जाती है। तो इससे पहले अपने बढ़ते जब लैंगिक परिपक्वता आती है तो नर में कौन से हार्मोन विकसित हो जाते हैं और मादा में कौन से हार्मोन विकसित होते हैं। नर में कौन से हार्मोन बनते हैं, नर में विकसित हार्मोन टेस्टोस्टेरोन है। टेस्टोस्टेरोन है और मादा में कौन सा हार्मोन है, मादा में जो हार्मोन विकसित होता है वह कौन सी, एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है। प्रोजेस्टेरोन नर और मादा में जब ये हार्मोन स्रावित होते हैं तो पूर्ण परिपक्वता आती है। इस कारण ही आगे युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया कंप्लीट होती है। तो आज इस वीडियो में अपने जो जनन तंत्र है इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में अपने नर जनन तंत्र और जो मादा जनन तंत्र है इनके प्रमुख भागों के बारे में पढ़ेंगे, इनके क्या क्या कार्य हैं, किस प्रकार इनके द्वारा आगे भ्रूण का निर्माण होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज आपको जितना पढ़ाया है इसे रिवाइज करना है और अपनी नोटबुक में नोट करना है। थैंक यू।